हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जय ऑटो विशेणा शॉप जय ऑटो करोलबाग। सो भाई आज भी यहाँ पे आपके लेके आया महिंद्रा स्कॉर्पियो जो क्लासिक एस वेरिएंट है, मतलब पूरा बेस मॉडल है। मतलब पूरी कोरी गाड़ी आई थी भाई, इसको पूरा टॉप मॉडल बनाने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है, आधा काम इसमें ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा है जो इंटीरियर के अंदर चल रहा है। बाकी बता दो भाई क्या क्या अपग्रेड कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो भाई हेडलाइट के अंदर यहाँ पे एलईडी अपग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई ग्रिल देख सकते हैं, ग्रिल पूरे स्लॉट यहाँ पे चेंज कर दिया गया, प्रॉपर आपके क्रोम स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे टोटल 6 पीस के अंदर, 3 इस साइड और 3 आपको इस साइड देखने को मिलते हैं। बाकी बात की जाए, पूरा बम्पर जो था यहाँ पे निकाला गया था, पूरा पेंट होके गया, नीचे की तरफ फॉग लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, DIL अभी इंस्टॉल नहीं किया, DIL का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी पूरी साइड स्लाइडिंग यहाँ पे पेंट की गई, देख सकते हैं प्रॉपर पेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हैंडल भी पेंट किया गया था, हैंडल अभी इंस्टॉल नहीं किया। डोर वाइजर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगी, मतलब अच्छी खासी, मतलब होता है ना S2S लेवल वाली फुल मॉडिफिकेशन, वो आपको मिल जाएगी। अगर बात की जाए भाई हेडलाइट की, तो भाई आपको टॉप मॉडल वाली हेडलाइट भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि जेन्युइन महिंद्रा की होगी। अलॉय व्हील्स की बात करें, अलॉय व्हील्स के भी ऑप्शन आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, अगर आपको जेन्युइन चाहिए जेन्युइन मिलेंगे, आफ्टर मार्केट में तो भाई गिनती नहीं है, जितने मर्जी यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। बाकी नीचे का फुटरेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था पहले ही, तो इसलिए थोड़ा गंदा है, बाकी यहाँ पे भाई काम चल ही रहा है हमारा। गेट की बात की जाए भाई, यहाँ देख सकते हैं डैम्पिंग का, देखिए डबल लेयर डैम्पिंग हमारी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पाइनर कंपोनेंट लगे आगे, ऊपर ट्विटर, पीछे ओवल, और पावर विंडो का काम भी यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो भाई पावर विंडो की बात की जाए, तो भाई यहाँ पे स्विचेस जो आते हैं बीच में वो निकाल के बॉटल होल्डर लगा दिया गया है। डोर जो है अपग्रेड होने वाले आपके टॉप मॉडल वाले, स्टीयरिंग के अंदर वर्क हो चुका है। तो भाई जैसा स्टीयरिंग में देख सकते हैं, स्टीयरिंग के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल और हमारा MID कंट्रोल दोनों लग चुके हैं, साथ ही साथ जो हमारा यू था वो भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है। स्टीयरिंग कवर जो है हमारा प्रॉपर ब्लैक क्लासी लुक के साथ दिया है, और भाई यहाँ पे देखिए मीटर भी हमारा अपग्रेड कर दिया टॉप मॉडल वाला। इसके साथ साथ भाई देख सकते हैं यहाँ पे डैम्पिंग चली है, अंदर की तरफ डैम्पिंग कर दी गई है, बाहर की तरफ डैम्पिंग, बाकी डबल लेयर डैम्पिंग हो रही है, और प्रॉपर देख रहे डैम्पिंग होती है भाई, ये नहीं कि आधा चिपका दिया, प्रॉपर इसे होते ना बढ़िया वाली फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है। बाकी बात की जाए ऊपर की, देख सकते हैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया गया है, और तो और भाई यहाँ पे AC वेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, करवाना चाहे तो भाई जेन्युइन आइटम मिल जाएगा, जेन्युइन क्रोम, तो वो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। बाकी भाई फ्लोरिंग देख सकते हैं कुछ तरीके से की जा रही है, प्रॉपर फ्लोरिंग है, वाटर प्रूफ होने वाले, डस्ट प्रूफ है, ईजी टू क्लीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। भाई बैक प्रोफाइल की बात किया तो भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पिलर लाइट इंस्टॉल की है, जिसकी आपको वर्किंग मिल जाएगी अच्छी खासी, इंडिकेटर ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको वेलकम फीचर भी देखने को मिल जाता है। और तो भाई यहाँ देख सकते हैं डमी वापस इंस्टॉल किया गया, जो कि भाई आपको अच्छी खासी फिटमेंट के साथ मिल जाता है। ऊपर की तरफ स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको जेन्युइन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे कि फुटरेस्ट होता है, फुटरेस्ट की आपको जेन्युइनिटी मिलेगी। बाकी आप नीचे रेयर गार्ड लगा सकते हैं, आपके यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं हमारी रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल कर दिया गया। बाकी भाई अभी ये कुछ काम चल रहा है, तो जैसे ही काम कम्प्लीट होगा एक बार कम्प्लीट लुक दिखाऊंगा गाड़ी की, क्या कुछ अपग्रेड किया गया, किस तरीके से अपग्रेडेशन की गई है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारा काम हो चुका है, हमारी जो क्लासिक ITS बेस मॉडल वो हो चुका है, मॉडिफाई बन चुका है S11। तो भाई बात करें क्या कुछ इसके अंदर अपग्रेड किया गया, तो भाई फुल बेस टॉप वाला काम है। फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट में देखिए हेडलाइट के अंदर यहाँ पे दिखा दूँ, अभी कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया, बस एक LED अपग्रेड की गई है, जिसका रिस्पॉन्स आपको दिखा दूंगा। नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे DIR लग चुका है, और साथ ही साथ नीचे की तरफ प्रोजेक्टर भी हमारा लग चुका है, फॉग लाइट है हमारी। बात की जाए भाई इसके अंदर रिस्पॉन्स की, तो रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, बट उससे पहले ग्रिल दिखा दूँ। ग्रिल पूरी अपग्रेड की गई थी, जो आपके स्लॉट से सारे स्लॉट क्रोम के यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। भाई एक बार फॉग लाइट ऑन कर देना, फॉग लाइट। तो भाई देखिए ये फॉग लाइट हमारी यहाँ पे ऑन हो चुकी है, हैलोजन ही रहने वाला है। इसमें अगर LED लगवानी है तो LED का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। बाकी बात की हेडलाइट, तो भाई हेडलाइट ऑन कर देना भाई। तो भाई देखिए हेडलाइट भाई कितना ज़्यादा ब्राइट सेटअप यहाँ पे करके दिया है, और ये कुछ यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। डिपर के साथ भाई एक नंबर रिस्पॉन्स है, 200-300 मीटर इजी क्रॉस होने वाला है, क्वालिटी एक नंबर है यहाँ पे। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर अपग्रेडेशन, तो भाई साइड के अंदर अपग्रेड यहाँ पे किया गया, अलॉय यहाँ पे लगवा के लाया था कस्टमर, पूरा पेंट दे के आ गया, बम्पर देख सकते हैं पूरा बम्पर यहाँ पेंट है, प्रॉपर पूरा ब्लैक बॉडी मैच होने वाला है। साथ ही साथ ये देखिए पूरी साइड स्लाइडिंग पूरी पेंट की हुई है हमारी, जो कि आपको मिल रहा है बॉडी कलर जो ऐसे कंपनी से आपको आता है। बाकी बात की जाए भाई यहाँ पे देखिए हैंडल भी अपग्रेड किया गया, जो अब मेरा हमारा होने वाला है, सेम कलर होने वाला है। नीचे की तरफ फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे रूफ रेल मिल जाएगा, डोर वाइजर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी बात की जाए इसके अंदर भाई और क्या कुछ अपग्रेड किया गया, तो भाई इसके अंदर बैक प्रोफाइल में अपग्रेड किया है, अब दिखाओ। तो भाई बैक की बात किया जाए, देखिए S निकाल के S11 का लोगो यहाँ पे लगा दिया, पूरा देखिए जो पेंट किया गया था प्रॉपर पेंट यहाँ तक आपको मिल जाएगा। नीचे रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किया गया, ऊपर की तरफ पिलर लाइट, और ये कुछ आपको पिलर लाइट का रिस्पॉन्स मिलने वाला है, वेलकम फीचर है हमारा पिलर लाइट का, अच्छे खासे फीचर के साथ वेलकम आपका बहुत प्यारा किया जाता है इधर, देख सकते हैं भाई। इसके बाद अगर बात किया भाई इसमें इंडिकेटर चलाओ जरा,
तो भाई देखिए ये कुछ आपको इंडिकेटर पीछे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी क्वालिटी मिलती है। बाकी जो यहाँ पे एक आया फीचर टेल लाइट का न्यू, जो हमारे सिर्फ जे ऑटो पे अवेलेबल है, तो वो आपको अवेलेबल यहाँ मिल जाएगा। ये कुछ आपका ब्रेक सिस्टम यहाँ पे होने वाला है। बाकी ऊपर की देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पॉइलर इंस्टॉल किया गया है। तो भाई अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। सबसे पहले तो भाई डोर पैनल यहाँ पे अपग्रेड किए गए, जो कि टॉप मॉडल वाले होने वाले हैं। पावर विंडो जो है कि आपकी वर्किंग होने वाली है प्रॉपर, देख सकते हैं। ये देखिए भाई कंप्लीट वर्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके बीच में आते हैं यहाँ पे, उसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया बॉटल होल्डर और सारे स्विचेस यहाँ पे लगा दिए गए, जो कि आपका सारा कपड़ा टू कपड़ा वर्क होने वाला है। अब चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर होता है आपका वेलकम, वेलकम प्लेट के थ्रू स्कॉर्पियो की आपकी बेसिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ भाई ब्लैक कलर की आपकी प्लेट होने वाली है, ब्लू कलर की आपकी लाइटिंग मिलती है। अब लेके चलते हो अंदर। तो भाई अंदर की अगर बात करें तो भाई अच्छे खासे अपग्रेडेशन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि भाई सबसे पहले अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो भाई स्टेयरिंग देख सकते हैं, प्रॉपर स्टेयरिंग किया गया, ब्लैक कलर की स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर का लेदर यूज़ किया गया। क्वालिटी देख सकते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी है। पूरा यू यहाँ पे अपग्रेड किया गया, जो कि आपका ग्लॉसी ब्लैक में होने वाला है। स्टेयरिंग कंट्रोल, MID कंट्रोल दोनों यहाँ पे लग गए, जो कि आपका प्रॉपर मिलने वाले लुक वाइज भी, और भाई जेन्युइन आइटम भी आपको मिल जाएगी। और भाई सारा काम कपड़े टू कपड़े किया गया इधर। इसके बाद थोड़ा आगे चलो तो भाई यहाँ देखिए पूरा मीटर अपग्रेड किया गया टॉप मॉडल वाला। कहीं से कहीं तक कोई बोल नहीं सकता मीटर देख के या फिर स्टेयरिंग देख के कि भाई ये हमारा बेस मॉडल है, पूरा टॉप मॉडल वाली फील दे दी, एक्सेप्ट हमारे AC वेंट। अगर AC वेंट भी लग जाते ना भाई, तो ये कंप्लीट टॉप मॉडल वाली लुक आ जाती। कहीं से कहीं तक कोई बोल ही नहीं पाता कि भाई ये हमारा बेस मॉडल था। बाकी बात की जाए भाई स्पीकर्स की, बात की जाए पाँच नए कॉम्पोनेंट आगे की तरफ ट्विटर, पीछे हमारे ओवल इंस्टॉल किए गए, जिसका रिस्पॉन्स भाई आपने हर वीडियो में देखा ही है कितना बेहतरीन होता है। बाकी बात की जाए पूरा फ्रेम यहाँ पे चेंज किया जा सकते हैं, कंप्लीट फ्रेम चेंज है ऊपर से लेके नीचे तक का। स्टीरियो इंस्टॉल कर दिया हमारा, ये कुछ आपकी लुक मिलेगी। स्टीरियो की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, यूट्यूब वीडियो प्ले स्टोर नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। बाकी बात की जाए इसका टच रिस्पॉन्स, तो भाई टच रिस्पॉन्स देखिए कितना मक्खन होने वाला है, आपको कोई लैगिंग इशू नहीं होने वाला है इसके अंदर। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर आपको वारंटी भी मिल जाती है, और तो और भाई इसके अंदर आपको डिफरेंट वेरिएशन मिल जाती है, मतलब आपको अलग अलग क्वालिटी के साथ साथ अलग प्रोसेसर के हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप क्या क्वालिटी चाहते हैं, क्या क्या आपको नीड है, वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। जेन्युइन से लेके आफ्टर मार्केट सब मिल जाएगा। जेन्युइन में तो भाई 100% गारंटी देते हैं कि जेन्युइन आइटम ये है। इसके बाद अगर बात किया भाई इसमें क्या कुछ किया गया है, तो भाई अच्छी खासी अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे करी है फ्लोरिंग हमारी, ये कुछ आपको फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। कंप्लीट वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, इजी क्लीन है। उसके ऊपर मैटिंग की गई है, जिसकी लुक आपको इस तरीके से मिलने वाली, देख सकते हैं लाइट जलाते हैं, ये कुछ आपकी लुक मिलेगी। और ऊपर की तरफ भाई यहाँ पे लगा सन ग्लास होल्डर, जो भाई सन ग्लास तो होल्डर तो ठीक है, लेकिन भाई सनलाइट वाला काम कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं ऑन किया, लो भाई रोशनी इतनी ज़्यादा ब्राइट रोशनी है कि भाई ऐसा लग नहीं रहा कि रात में बैठे, ऐसा लग रहा है दिन में बैठे, पूरा सब कुछ इतनी क्लियरिटी लाइट है भाई लाइट की। इसके बाद है सीट कवर में कोई अपग्रेड नहीं है, सीट कवर अपग्रेड करवा सकते हैं, आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं इसके अंदर, जो आर्मरेस्ट अभी इंस्टॉल नहीं किया गया। बाकी भाई ये कुछ काम हुआ इसके अंदर, अगर आपको भी ऐसा कुछ काम करवाना है तो भाई आपको विजिट करनी है हमारी शॉप जे ऑटो करोलबाग, जहाँ पे सारी अपग्रेडेशन मिलेगी, जेन्युइन महिंद्रा के आइटम मिलेंगे, जो भी चाहिए सब मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और तो और भाई अगर आप बेस्ट शॉप करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। बाकी भाई ये कुछ काम है, अगर आप भी चाहते हैं एस को S11 बनाना, बेस को फुल टॉप कराना विद जेन्युइन आइटम्स, तो भाई आपको आना है हमारी शॉप जे ऑटो करोलबाग पे। बाकी भाई कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको सारी मिल जाएगी, लोकेशन चाहिए लोकेशन मिल जाएगी, क्वालिटी वर्क बेस्ट होने वाला है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।